अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। नामपल्ली में आज फेरोज खान, मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कांग्रेस लीडर्स ने पब्लिक में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए फेरोज खान ने कहा, नरेंद्र मोदी की 20 लाख करोड़ वाली बात सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट था और ड्रोन मेला था। इसके साथ फेरोज खान ने कहा, रियासती हुकूमत TRS और KCR भी किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा रही और जो माइग्रेंट लेबर्स अपने स्टेट्स वापस जाना चाह रहे हैं वो लोग गांधी भवन आकर वहां से मदद हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं रिपोर्टर शहबाज खान और कैमरामैन सोहेल खान की ये रिपोर्ट। आप जैसा सब जानते हैं, फेरोज खान और फेरोज खान की टीम 2 महीने से हर दिन हर एक गली हर एक बस्ती जाके राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, जो हमारा फर्ज है हम वो निभा रहे। और रही बात हमारी यूनियन गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की, 20 लाख करोड़ का पैकेज बोलते आप और किसी एक की मदद नहीं हुई। हमारे माइग्रेंट वर्कर्स को देखिए, अफसोस होता जो आपके और हमारे घर बनाए, जो नरेंद्र मोदी और पूरे बीजेपी के घर बनाए, वो लोग आज रोड पे हैं और रोडों पे रोते जा रहे। बस का इंतजाम कर रहे तो टिकट का पैसा लिया जा रहा, ट्रेन का इंतजाम कर रहे तो टिकट का पैसा लिया जा रहा। किसी को छत नहीं दिए, किसी को खाना नहीं दिए। और सोनिया गांधी के डायरेक्शन के ऊपर कांग्रेस पार्टी कई माइग्रेंट वर्कर्स को अपने अपने प्रदेश और गांव को भिजा रही है। और जो भी माइग्रेंट वर्कर्स आप हमारी आवाज सुन रहे हैं और आपको आपके प्रदेश और गांव को जाना है, आप गांधी भवन आइए। गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी बसों का इंतजाम कर रही, आपके खानों का इंतजाम कर रही और इंशाल्लाह सलामती से आपके घर को हम भिजाएंगे। सर, अब तक कितने माइग्रेंट्स भिजाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से? अब तक कम से कम 5,000 और रोज चल रहा है ये सिलसिला। आप देख रहे हैं तो रोज बंजर गांधी भवन को आ जाइए। और रही बात दूसरी बात, जो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े फेकर है, क्योंकि यहाँ की बस्ती जिससे ताल्लुक रखती स्ट्रीट वेंडर्स, वो तो मंडी ठेले वाले 5,000 करोड़ देते हो। कहाँ जाना साहब, स्ट्रीट वेंडर जाके किसके पास से लेना? बैंक के पास जाना, कोई डिपार्टमेंट को जाना, कहाँ जाना? तो हवा में बात। तो कांग्रेस पार्टी एक ही चीज डिमांड करी नरेंद्र मोदी से, साहब आप जो भी अमाउंट है डायरेक्ट ट्रांसफर करिए, गरीब कमजोर के अकाउंट में डालिए, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के उसमें डालिए। तो रही बात नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़, एक इवेंट मैनेजमेंट था और एक की दम आप उसको क्या बोलते हैं, मेला। किसका मेला? लोन का मेला। आओ उधार लियो, फिर ये पैकेज क्या हुआ नरेंद्र मोदी साहब? रही बात आप स्टेट को आ जाएंगे, स्टेट को आएंगे तो KCR साहब क्या मदद करे? KCR साहब की पार्टी क्या मदद करी? खाली 12 किलो चावल 1500 रुपए और क्या करे? कौन सा तो भी एक लीडर दिख रहा रोड पे, कौन सा तभी एक मिनिस्टर देख रहा? हम 2 महीने से रोडों पे, हर जगह आवाम बोल रही साहब, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं दिख रहा। अगर से कोई दिख रहा तो कांग्रेस के लोग दिख रहे हैं। और आज हम KCR साहब से गुजारिश करते हैं कि आप जहाँ पे भी कंटेनमेंट एरिया है वहाँ पे आप मोबाइल एम्बुलेंस भेजेंगे, क्योंकि कंटेनमेंट एरिया से आप जब बाहर निकलते तो किसको कोरोना वायरस है नहीं मालूम होता। और आज तेलंगाना के जो फिगर्स है 1600 फिगर, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट कम फिगर बता रही है, क्योंकि आप प्राइवेट हॉस्पिटल को परमिशन नहीं दे रहे। अरे आप जिसको अप्रूव ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो अप्रूव है वो हॉस्पिटलों का परमिशन क्यों नहीं दे रहे? और आप KCR साहब बोलते हैं कि मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर भरोसा नहीं है। आप जब आरोग्य श्री करा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में, जब आपको भरोसा है और COVID-19 का आपको भरोसा नहीं है, इससे साफ क्या समझ में आ रहा आपको कि आप स्टेट के अंदर कोरोना वायरस बहुत बढ़ गया
और आप उसका फिगर कम बता रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके कंट्रोल में रहते हैं। आज जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं आसिफ नगर पुलिस स्टेशन आता, यहाँ पे 50 केस पॉजिटिव है। नामपल्ली में 97 केसेस पॉजिटिव है और हैदराबाद में 900 केसेस पॉजिटिव है। मार्केट खोलने की वजह क्या है? मार्केट खोलने का वजह ये है, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो अपन लेटर डिस्कस करेंगे। मगर रही बात, अब जो कोरोना वायरस को आप रोकना है और आपके प्रेस के थ्रू मैं उनकी कानों तक जाना चाह रहा हूँ कि अब जून का मौसम आ रहा है और जून सबसे ज़्यादा डिजीज फैलाने का वक्त है। इसको टेक्निकल वे में बोलते डिजीज प्रोन मंथ, जहाँ पे मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया ये सब फैलता। और इस पे मैं आपको यहाँ से गारंटी से बोल दे रहा हूँ, कोरोना वायरस के केसेस मल्टीप्लाई होने वाले हैं अगर से आप टेस्टिंग नहीं करेंगे प्रॉपर और प्राइवेट हॉस्पिटलों को आप नहीं देंगे परमिशन। ये जो पैनडेमिक है ये एपिडेमिक में आ जाएंगे। और रही बात केसीआर साहब को, आज रमजान चल रहा, आप इफ्तार पार्टी देते, आप नहीं दे सक रहे तो उसमें आपके 30 करोड़ बच गए। आप हर मस्जिद के अंदर इफ्तार पार्टी बोलते हैं पूरे स्टेट में, नहीं कर रहे आप, उसमें आपके 30 करोड़ बच गए। आप कपड़े देते उसके अंदर 30 करोड़ बच गए, तो कम से कम आपका 100 करोड़ है। तो मेहरबानी करके आप जो मुसलमान के हमदर्द बोलते हैं, आप हमको 12% नहीं दिए, नहीं दिए, नौकरियां नहीं दिए, बाद में बात करिए। रमज़ान का मौसम है, रमज़ान का मौका है, हर एक गरीब कमज़ोर परेशान है। तो मुसलमानों के गरीब का बोलना ये है, फिरोज भाई मुसलमानों को नहीं, कौन सा भी मजहब है दो, ये 100 करोड़ रुपये हमारे अकाउंटों में ट्रांसफ़र कराओ। कांग्रेस ये मांग रखो, तो कांग्रेस की तरफ से मैं ये मांग रख रहा हूँ, केसीआर साहब 100 करोड़ रुपये गरीबों के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करो। और मेरे मुसलमान भाई और बहनों से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके रमज़ान की शॉपिंग में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, अगर से खुदा ना खास्ता वायरस बढ़ा तो फिर से एक टाइम जैसा मरकज पे मुसलमानों को इल्ज़ाम लगा, फिर से एक टाइम मुसलमानों को इल्ज़ाम लगेगा। ये मौका जो आप दिए, और रही बात आज जो हमारे खसूसी मेहमान हैं वो तारूफ के मोहताज हैं, हमारे शब्बीर अली साहब, एक्स मिनिस्टर, सरगरम कारकुन, डायनामिक लीडर और कई कारनामों को अंजाम दिए शब्बीर अली साहब। और उसमें से सबसे एक अहम कारनामा है जो आज रिजर्वेशन है, 12% केसीआर साहब देते बोले नहीं दे सकते, पर आज जो रिजर्वेशन है जिससे गरीब मुसलमान आज पढ़ रहा और आगे बढ़ा, उसके लिए शब्बीर अली साहब जिम्मेदार है। तो आज हमारे बीच में शब्बीर अली साहब है और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, उनकी ख्याल आपके सामने रखें, उनकी सोच आपके सामने रखें। जय हिंद, शुक्रिया। और हर कोई है वहाँ पे जाके, जितने माइग्रेंट लेबर्स है, जो भी नीडी लोग हैं वहाँ पे, मैं मेरी जानिब से बराबर ग्रॉसरी पहुँचा रहा हूँ, मेडिसिन पहुँचा रहा हूँ, वेजिटेबल्स पहुँचा रहा हूँ। अगर जिसको गूगल पे से अगर कैश कर